देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन है ए ग्रामीण, बी शहरी, सी खानाबदोश, डी जनजातीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शहरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? ऑप्शन है ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंगम, डी दयाराम साहनी। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी दयाराम साहनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन दिया हुआ है एक अशोक के, बी हर्षवर्धन के, सी चंद्रगुप्त मौर्य के, डी हेमू के। आंसर है इसका ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी बिंदुसार। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी अशोक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन है ए संविधान सभा ने, बी ब्रिटिश संसद ने, सी भारतीय संसद ने, डी गवर्नर जनरल ने। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए संविधान सभा ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है ए 16 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1948 को, सी 9 दिसंबर 1946 को, डी 26 नवंबर 1946 को। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1949 को, बी 5 दिसंबर 1949 को, सी 24 जनवरी 1950 को, डी 25 जनवरी 1950 को। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है ए में 1861 ईस्वी में, बी 1872 ईस्वी, सी 1881 ईस्वी, डी 1882 ईस्वी। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 1872 ईस्वी। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ है ए लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन दिया हुआ है ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।